हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का यूट्यूब चैनल नॉलेज विद नामदेव में। आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे जो आरआरबी ग्रुप डी 2019 का जो एग्जाम होने जा रहा है तो उसकी लास्ट डेट अभी तक दूर है और इससे पहले 8 मार्च 2019 तक यानी कि आज तक अभी तक इस जो वैकेंसी में कितने फॉर्म भर गए हैं वो जान लेना जरूरी उन स्टूडेंट के लिए जरूरी हो जाता है जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं किया, क्योंकि जिस जोन में सबसे ज़्यादा कम फॉर्म आपके फिल हुए हैं तो उससे आप अगर भरते हो तो आपके मतलब ज़्यादा चांस होता है सिलेक्शन के। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो आपके जितने भी जोन हैं उन सब में मैंने जो है अलग अलग नाम से रजिस्ट्रेशन किया और उसमें जो आपके रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है जैसे कि ये इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखा है आपके ये पूरा इसके पीछे वाले जो डिजिट होता है वो आपके उस जोन में कितने फॉर्म फिल हुए हैं वो उनकी संख्या होती है। तो इसमें मैं एक एक जोन ले रहा हूँ आपके जिसमें कितने फॉर्म भर गए वो आपको पता चल जाएगा। तो प्रूफ के साथ सारी चीज़ बता रहा हूँ मैं। इसके अलावा जो सबसे लास्ट में मैं एक ये टेबल आपके साथ डिस्कस करूंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा जोन सबसे बढ़िया रहेगा। ये मेरा कैलकुलेशन मैंने अपने हिसाब से किया, इससे पहले मैं जो जिस जोन से जितने फॉर्म भरे गए वो एक बार आपको बता देता हूँ ताकि आपको ऐसे विश्वास हो जाए कि ये वीडियो फैक्ट नहीं है, सारी डाटा जो लिए गए हैं वो आपके, ये सारे डाटा कहाँ से लिए वो चीज़ बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो सबसे जो पहला रजिस्ट्रेशन है आपके सेंट्रल रेलवे मुंबई, इसमें कितने फॉर्म भरे गए तो वो आपके हैं, इसके रजिस्ट्रेशन नंबर आए थे सबसे लास्ट डिजिट है वो इसके कितने फॉर्म फिल हुए वो इनकी संख्या होती है तो 291,755 यानी कि 2,51,755 फॉर्म इससे भरा गया है। अब नेक्स्ट जोन आपके ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, इस सेंट्रल रेलवे हाजीपुर से आपके भरे गए हैं टोटल 1,36,690 फॉर्म 1,36,690। नेक्स्ट जो जोन है आपकी ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, तो भुवनेश्वर में आपके टोटल जो है फॉर्म भरे गए हैं 3,01,000 ये जो आगे वाले हैं 113, ये 113 तो उसके कोड है और जो लास्ट वाला डिजिट है 1,14,225 यानी कि 1,14,255, ठीक है। और नेक्स्ट है आपके ईस्ट रेलवे कोलकाता, कोलकाता से जो भरे गए फॉर्म की संख्या है तो इसमें जो ये आगे वाले डिजिट हैं ये आपके उस जोन के कोड है तो कोलकाता से टोटल फॉर्म भरे गए हैं 3,01,507 3,01,507, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो है नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद से भरे गए हैं फॉर्म की संख्या, ये आपके रजिस्ट्रेशन नंबर के इसके जो रिसीव हुए थे उसमें आगे वाले डिजिट तो उस जोन के कोड है तो और पीछे वाले ये है जो उसके फॉर्म की संख्या है तो 2,85,530 2,85,503 इसमें फॉर्म फिल हो चुके हैं। इसके अलावा नेक्स्ट है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर से भर गए संख्या है जो 1,73,366, ठीक है। नेक्स्ट जोन आपके नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे गुवाहाटी, गुवाहाटी से टोटल फॉर्म भरे गए हैं वो 1,10,129 1,10,129। और नॉर्थ तो वेस्टर्न रेलवे जयपुर है उससे जो टोटल फॉर्म फिल हुए हैं उनकी संख्या रजिस्ट्रेशन नंबर आप दे सकते हो 3,08,222 यानी कि 3,08,222। और नेक्स्ट जोन है आपके साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, सिकंदराबाद से जो फॉर्म भर गए हैं उसके रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बता देता हूँ मैं, ये आपके 3,45,309 3,45,309। और नेक्स्ट है जो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे जो ये आपके हैं बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर से जो टोटल फॉर्म भर गए हैं वो आपके हैं 84,557 84,557, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपके साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता से जो टोटल फॉर्म भरे गए हैं तो इसके पहले जो रजिस्ट्रेशन नंबर वो छोड़ देते हैं और पीछे वाले डिजिट देखते हैं अपन, जो आपके आ रहे हैं 1,10,037 यानी कि 1,10,037।
और नेक्स्ट जो है साउथ साउथर्न साउथर्न रेलवे चेन्नई, चेन्नई से जो टोटल फॉर्म भरा गया है वो आपके 3,29,829, ये आप देख सकते हो क्लियरली 3,29,829, ठीक है। और साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली, साउथ वेस्टर्न रेलवे हुबली से जो है टोटल फॉर्म भरे गए आपके 1,92,451, ये मैंने आपको प्रूफ के तौर पे बताई। अब ये सारे डाटा है जो जितने भी डाटा आपको बताया है वो चीज, ये सारे डाटा जो मैंने आपको बताया है वो मैंने एक पेपर पे जॉन वाइज मैंने ये सारे डाटा लिख दिए, इसमें कितने फॉर्म फिल हुए हैं, इसके अलावा टोटल जो वैकेंसी है वो भी मैंने लिख दी, और उसका इसमें डिवाइड देके एक मतलब एक पोस्ट के लिए कितने स्टूडेंट बैठेंगे वो चीज़ मैंने निकाल ली है, ठीक है। तो आपको मैं ये चीज़ बता देता हूँ, आपके सेंट्रल रेलवे मुंबई जिसमें 2,91,755 फॉर्म भरे गए हैं और टोटल वैकेंसी थी 10,734, तो इसमें ये मैंने डिवाइड कर दिया टोटल वैकेंसी का, इस जितने फॉर्म फिल हुए तो ये आ गए आपके 27.18, यानी कि एक पोस्ट के लिए 27.18 स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है। सेम ऐसे कैसे ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, हाजीपुर में टोटल 1,36,690 फॉर्म भरे गए जिसमें से मैंने टोटल वैकेंसी 3,563 का भाग दिया तो आपके 38.36, यानी कि 38.36 है जो टोटल एक पोस्ट के लिए 38 स्टूडेंट बैठेंगे, इसका मतलब ये है। तो जिसमें सबसे ज़्यादा कम स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए बैठेंगे वो जॉन आपके लिए सेफ रहेगा। तो विदाउट टाइम योर वेस्ट, मतलब आपका टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आपको एक एक चीज़ बता देता हूँ क्लियरली, जिसमें देखो सेंट्रल रेलवे मुंबई, मुंबई में आपके 27.18 यानी कि 27.18 स्टूडेंट बैठेंगे एक पोस्ट के लिए, तो ये चीज़ आपको खुद को डिसाइड करनी किस जोन से भरना है। नेक्स्ट हाजीपुर है जिसमें 38.36 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए बैठेंगे, और नेक्स्ट है भुवनेश्वर जिसमें 44.70, यानी कि ये डेंजर जोन हो सकता है कंपेरिजन टू अदर जोन, ठीक है। और नेक्स्ट है कोलकाता, कोलकाता से 27.72 यानी कि मात्र एक पोस्ट के लिए 27 स्टूडेंट बैठेंगे तो कोलकाता एक सेफ होगा। कोलकाता में दो जोन है, मैं ईस्ट रेलवे कोलकाता की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट आपके नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद जिसमें 60.63 यानी कि डेंजर जोन, 60.63 36 स्टूडेंट इसमें बैठेंगे। और इसके नेक्स्ट है आपके गोरखपुर जिसमें 43.13 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए बैठेंगे, नेक्स्ट है गुवाहाटी जिसमें 38.5 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए बैठेंगे, इसके अलावा जयपुर है जिसमें 57.31 यानी कि डेंजर जोन है, इसमें आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है आपके सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में 37.01 बढ़िया सेफ जोन है, उसमें आप भर सकते हो। इसके अलावा आपके हो गया बिलासपुर जिसमें 51.43, ये भी मतलब मीडियम लेवल का है, इसमें भी मीडियम लेवल आपको कह सकते हो। इसके अलावा सबसे बढ़िया है जॉन साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता, ये कोलकाता एक तो दूसरा था और ये ईस्ट रेलवे कोलकाता था और ये साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता है जिसमें 22.39 स्टूडेंट बैठेंगे, ठीक है, एक पोस्ट के लिए, यानी कि कम फॉर्म फिल हुए इससे। इसके अलावा जो चेन्नई है, चेन्नई में आपके 34.43 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए बैठने वाले हैं। इसके अलावा हुबली में जो आपके 26.85 स्टूडेंट एक पोस्ट के लिए बैठेंगे। तो अब इस टेबल से आपको अंदाजा लगा सकते हो, देखो इसमें सबसे कम आ रहा है आपके, अगर इसका पूरे का देखें तो इसमें सबसे बढ़िया जोन आ रहा है 22.39, यानी कि ये जोन कोलकाता है, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता आपकी फर्स्ट पोजिशन पर ये है, इसमें सबसे ज़्यादा कम फॉर्म भर गए। इसके अलावा नेक्स्ट आपके निकल के आ रहा है, इसमें आप खुद देख सकते हो 26.85, यानी कि ये हुबली भी एक बढ़िया जोन हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा आप थर्ड नंबर पे ले सकते हो 27.18 जो आपके सेंट्रल रेलवे मुंबई, और फोर्थ नंबर पे आप ले सकते हो 27.72 यानी कि ईस्ट रेलवे कोलकाता। ये मैंने आपको बताया इस तरीके से, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट लेके आप खुद डिसाइड कर सकते हो किस जोन से कौन आपको फॉर्म भरना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपडेट रहने के लिए इस चैनल से जरूर जुड़ेगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा जिससे मैं जो भी नया वीडियो डालूँ सबसे पहले आपके पास पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।